वेलकम टू शेक्स किचन गार्डन। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे वेजिटेबल एग चीज सैंडविच। उसके लिए सबसे पहले हमने थोड़े अंडे ले लिए हैं, उनको बॉईल कर लिया है हमने और उनको हमने पील कर लिया है, छिलका निकाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रेड ले लिया है सैंडविच के लिए। आपको जो भी ब्रेड चाहिए, जो साइज़ का, हम आपको रिकमेंड करेंगे बड़ा सैंडविच साइज़ का ब्रेड आप ले लीजिए। ठीक है, हमने चीज़ क्यूब्स ले लिए, हमने 4 चीज़ क्यूब्स ले लिए हैं। बटर ले लेंगे हम। ठीक है, और हमने यहाँ पे हमने 3 काट लिए हैं हमारा कैप्सिकम, टमाटर और हमारा प्याज, हमारा ये शिमला मिर्च। ओके, शिमला मिर्च। एंड यहाँ पे हमने टमाटर सॉस में थोड़ा सा चिली सॉस डाला है। हमारा टमाटर सॉस 8 चम्मच हमने डाला था, उसमें 2 चम्मच चिली सॉस डाले। आपको जितना तीखा पसंद है आप उस हिसाब से ही डालिए। ठीक है, हमने मेयो बनाया है, घर का बना हुआ हमारा मेयो है। ठीक है, ये हम मेयो घर का बना हुआ ले लिए हैं। यहाँ पे हमने लिया है ये पुदीना की चटनी बनाई है हमने, पुदीना धनिया की चटनी। इसमें हमने 1 गड्ढी धनिया, काफ़ी सारा पुदीना डाला है और 1 हरी मिर्च डाला है इसमें। ठीक है, और इसको पेस्ट बना लिया है। ये मिक्स्ड हर्ब्स ले लेंगे हम। ठीक है, आपको मार्केट में मिल जाएगा बड़ी आसानी से मिक्स्ड हर्ब्स। और चिली फ्लेक्स है हमारा। ठीक है, और अब हम यहाँ पे ये एक मसाला है, हमने जस्ट नाउ इसको बनाया है, वही कढ़ाई में ही हम बना ले रहे हैं इसको। ये जो मसाला है हम 2 चम्मच ले रहे हैं। ये हमने हमारे चैनल में डाल के रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक डाल देती हूँ। बहुत ही सिंपल है, इजी है बनाना इसको। आप इसको ले लीजिए 2 चम्मच और उसमें हमारे सारे हम वेजिटेबल्स डाल देंगे। ये जो मसाला है ना, ये हम लोग घर में बना के रख लेते हैं और फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसको ना फिर हमको बहुत काम आता है, जैसे सैंडविच बनाना हो, पास्ता बनाना हो, तो ये फ्लेवर के लिए बहुत काम आता है। 2-3 मिनट के लिए हमने इसमें थोड़ा नमक भी ऐड किया था हमने स्वाद अनुसार। ठीक है, इसको 2-3 मिनट के लिए हमने ऐसे पका लिया। इसका पानी कम हो गया क्योंकि वेजिटेबल्स को हम ऐसे गर्म करते हीट करते हैं तो उनका पानी ऐसे छूटता है। वो निकल गया हमारा, ड्राई हो गया पानी। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं और इसको ठंडा करने के लिए हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, वरना हाथ लगाने में बहुत तकलीफ होगी इसमें। ये देखिए हमारे जो एग्स हैं, एक हम ऐसे कटोरी ले लेंगे एंड इस तरीके से हम इनको मैश कर लेंगे। ठीक है, एक फोक लेके हम इनको मैश कर लेंगे। हमको बहुत ही ज़्यादा एकदम इसको मैश नहीं करना, हल्का हल्का ऐसे मैश कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सबको मैश कर लेंगे। ये देखिए हमने हमारे सारे एग्स को ऐसे मैश कर लिया है। अब इसमें हम मेयो ऐड करेंगे। ठीक है, आपको जितना आपको मेयो पसंद है आप कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे एक लिमिट में ऐड कर रहे हैं, वरना बहुत ही ज़्यादा लगता है। ठीक है, हम यहाँ पे 4 चम्मच अभी ऐड कर रहे हैं और ऐसे हमें कंसिस्टेंसी चाहिए और क्या, क्वांटिटी का कुछ बात नहीं है। मेयो डालेंगे, मिक्स करेंगे इसमें मेयो हम, और हमारा मेयो भी वेज है, हमने जो घर में बनाया है। इसको दूध और हमने इसे आलू से बनाया है। ठीक है, देखिए हमारा प्योर वेज मेयो, भले हमारा अंडा नॉन वेज है बट ठीक है, कोई बात नहीं, अंडा भी आलू में। ओके, तो ये इतना काफी रहेगा हमारे लिए। ऐसा कंसिस्टेंसी हमको चाहिए कि ये वाटरी ना हो बट स्प्रेड हो। ठीक है, ये देखिए अब हमने ब्रेड निकाल लिया और इसमें मक्खन हम बढ़िया से स्प्रेड कर देंगे। और आप चाहे तो इसकी साइड्स कट भी कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन आप देखिए साइज कितना डिफरेंस हो जाता है हम साइड्स कट कर देते तो, एंड हमें लगता है कि वो साइड का वेस्ट होता है तो हम पूरा ही खाते हैं। और बटर के ऊपर हम डालेंगे हमारा जो सॉस हमने रखा था। हम आपको जितना सॉस पसंद है आप उस हिसाब से डालिए। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो सब्जी हमने बना के रखा था। बहुत बढ़िया, स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से।
एंड देन हम इसमें डालेंगे हमारा एग मेयो। हम स्प्रेड करने के लिए दूसरा स्पून यूज कर रहे हैं बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारा अंडे में हमारा ये मसाला लगे, इसीलिए हम अलग वो यूज कर रहे हैं, बट ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीज, ठीक है। ये ग्रेटर ले लिया हमने और एक चीज क्यूब उठा लेंगे, नॉर्मल जो हम चीज यूज करते हैं, और लीजिए ढेर सारा चीज बिकॉज सैंडविच है और चीज ना हो तो मजा कैसे आएगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऊपर से, हमारे एग्स में भी थोड़ी चिली फ्लेक्स डाल दे रहे हैं तो उसमें फ्लेवर भी आ जाता है, वो हम पहले नहीं डाले थे, वो आपका ऑप्शनल है। अब मिक्स हर्ब्स थोड़ी सी डाल रहे हैं ऊपर से, और एक दूसरा जो हमारा ब्रेड होगा उसमें पहले मक्खन स्प्रेड करेंगे हम, ठीक है। बढ़िया, हमने मक्खन लगा लिया। अब हमारी ग्रीन जो चटनी थी उसे हम इसमें फैला लेंगे। हमने हमारी ग्रीन चटनी, हमारा सारे चीजों का थोड़ा नमक चेक कर लेंगे, और थोड़ा सा ग्रीन चटनी में हमने नमक भी ऐड किया था। इसके बाद हम इसके ऊपर इसे टॉप कर देंगे, बस। अब इसे इसी तरीके से हम सबको तैयार कर लेंगे और फिर सेकेंगे इसे। ये देखिए, इस तरीके से हम बटर लगा लेंगे ऊपर में, ठीक है। दोनों तरफ हमारे ब्रेड में हम इस तरीके से बटर लगा देंगे और इनको सेक लेंगे। देखिए, हमने और तैयार कर लिए, पहले आप इनको तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद ऐसे बटर लगा के आप बढ़िया सेक लीजिए इनको। ये देखिए, हम ऐसे हाथ रख के दो साइड इसको काट लेंगे ताकि हमें खाने में थोड़ी आसानी हो। ऐसे इसका एक काटने के लिए बड़ा वाला छुरी आता है, वो हो तो बेस्ट रहता है। ये देखिए, इसी तरीके से हम सबको बना लेंगे। देखिए, इसको सर्व करते वक्त ये थोड़ा मैसी हो गया बिकॉज हम उसको उल्टा सर्व करने लग गए थे, ठीक है। तो थोड़ा मैसी हो गया इसको सर्व करते वक्त, बट ये बहुत ही अच्छा बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा ये। एंड इसी तरीके के हमने एक आलू का सैंडविच डाल के रखा है, वो बहुत ही ज़्यादा यम है, वो आप ज़रूर ट्राई करिए। आपको बहुत तरह तरह के डिशेज मिलेंगे हमारे चैनल में, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।